अच्छा होला होला ये एकदम से एनर्जी आ गई इसमें। फिर क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भगवान को मारने के लिए। हम ओल्ड हुआ चर्च। हैप्पी जीसस। हैप्पी जीसस। जय जीसस। यार ये बढ़िया था। जय जीसस। तो हम पहले जीसस के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से जीसस एक और जीसस के पास जाएंगे। तो फिर वाले जीसस हमें कहाँ लेके जाएंगे? कहीं नहीं, हम बस फोटोज खिंचवाते रहेंगे। और कितना सुंदर बनना, मुझे कितना फेमस होना है इसे? बहुत ज्यादा। 1 मिलियन पे जाना है? बस 1 मिलियन कौन सा टारगेट होता है? नहीं अभी अभी फिलहाल के लिए। जैसे प्रियंका चोपड़ा ये कहती है आई वांट टू ग्लोबल डोमिनेशन। ओके बट मैं मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है हल्की पलती करके बैठना। मुझसे नीचे तो टांगे करके बैठा ही नहीं जाता। गाड़ी हो कुछ भी हो मेरे को ऐसे ही बैठना, चौकड़ी मार के रात में। चौकड़ी मार के टांग के ऊपर टांग रख के। किसकी किसकी टांग के ऊपर टांग? कुकुर। आपको भी कह दिया। कुछ कुरकुरे। यू नो द फीमेल वर्जन ऑफ इट, कुरकुरी। कुरकुरी बड़ी हो गई तो करारी। मुरमुरी। मुरमुरी चुरमुरी। छुरली। छुरली नहीं चुरमुरी। चुरमुरी यार इनका पोज बहुत अच्छा है। किसका? बप्पी। वो ये गणपति बप्पा। बप्पी बप्पी लहरी। बप्पी लहरी बप्पा गणपति। कल आप तो अपने रूम में चले गए ईशा, मेरे दोस्त आ गए पीछे से स्कूल के, मेरे जूनियर जूनियर्स। हाँ और भाई वो अपना शुरू हो गया आते के साथ ही कि हमने कल 40,000 की दारू पी ली, ये कर लिया वो कर लिया। और मैं कह रहा, मैं भैया की शक्ल देख रहा, भैया मेरी शक्ल देख रहे। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है अपना, बोले जा रहे हैं हमें पता नहीं हम कौन से जोन में, अब हम अपनी नींदों में हैं ठीक है। और हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ भाई बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। 40,000 रुपये खर्च करती है, 1,00,000 रुपये खर्च करती है। उनके साथ साथ हमने भी कर दिए। और कह रहे हैं हमारे पे वॉलेट नहीं है। हाँ कह रहे हैं हम पे वॉलेट नहीं है, अब हमें कसीनो जाना है तो हम कैसे जाए? अभी तुमने 40,000 रुपये खर्च करे, हम भी तो कसीनो गए, हमने भी तो UPI किया है। हर जगह UPI है आजकल, जाके करो जो मर्जी। लेकिन नहीं हमने जब तक वॉलेट मिलेगा नहीं ना हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो आपने दिए पैसे उनको? हम क्यों देंगे पैसे, हमारी बुआ के लड़के हैं। बुआ के लड़के। ये बढ़िया। कैसे चल रहा है आपका गोवा में एक्सपीरियंस? सही चल रहा है अभी तो। मतलब हम कल हमें वैसे 2-3 शूट निकालने चाहिए थे बट हम पे टाइम नहीं हो पाया, इसलिए हम एक ही निकाल पाए। बट वो एक ही ऐसा गति चैनवन वाला निकला ना, ऐसा निकल गया। वो दिखेगा कहाँ और कब? वो दिखेगा नेक्स्ट वीक ईशा के पेज पे और मेरे पेज पे। अच्छा। थोड़ी एडिटिंग करेंगे उसमें प्यारी सी। मतलब फोटो देखने के लिए इंस्टाग्राम खुलवाना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पे स्वाइप अप मारना पड़ेगा। अच्छा। चलो जी आ जाओ। ईशा ये क्या हो गया? भगवान ने हमको दर्शन नहीं दिए। फिर अब क्या करें? ये हमारी ही डेट पे क्यों बंद है? इतने नाराज है भगवान। आप कूद के जा सकते हो वहाँ? नहीं आप तो 17 तक हो यहाँ। क्या भगवान हमसे इतने नाराज है? कहाँ हो तुम रे भगवान? So guys, हम दूसरे चर्च पर आए तो ईस्टर की वजह से तो दर्शन मिलेंगे नहीं। हाँ। तो ये वाले भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया हमसे। बाकी किसी ने ये नोटिस किया क्या? ईशा ने बस अभी करवाया ये। और कैसा लग रहा है? इसके ईशा ने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। कितने पैसे? आंटी ने बोला 180 रुपीस लेंगे। और 80 नहीं, हमने भी नहीं बोला। आंटी ने बोला डायरेक्ट, ठीक है बेटा 80 दे देना। 100 रुपए कम
बट यार लुक्स गुड, लुक्स ग्रेट। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे कंटेंट? यहाँ पे तो हमने दो चार फोटो खींची है। मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत पब्लिक है पीछे, अगर आप दिखा सकते हो पीछे। देखो मैडम एंगल है, हमने यहाँ पे ज्यादा कंटेंट नहीं निकाला। यहाँ की दीवारें बहुत गंदी है। चलो आसपास का कुछ दिखाते हैं। ये पीछे वाली दिखाओ, ये वाली हमें अच्छी लगी। हमने इस लोकेशन पे दो चार, हमने इसको बैकग्राउंड में रख के कुछ पिक्चर्स निकाले हैं। यार यहाँ पे क्लाउड्स तो बहुत अच्छे, मुझे दिल्ली में तो ये क्लाउड्स नहीं दिखते हैं। हमेशा मेरी फोटोज के अंदर सिर्फ एक ब्लू स्काई आ रहा होता है, प्लेन सा, एंड आई कैन बेट दैट इज मोर पोल्यूटेड। अब हम कैंडलिम बीच आ चुके हैं और चर्च तो हमारे बंद थे, तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमारी ये लुक है और अब हम ये शूट करने वाले हैं। बहुत क्रेजी था, आप मौसम देख सकते हो, मौसम है सुहाना, शूट है दीवाना। आ जाओ फिर। मेरा तो स्प्राइट है, ऋतिक का तो, ऋतिक क्या पी रहे हो? बट वाइसर। यार मैं बियर नहीं पीती, मुझे पता है पहले मैं इतना ज्यादा फैट हूँ या फिर कर्वी हूँ तो मेरे पे ज्यादा सूट नहीं करेगा, उससे बियर बेली हो जाती है ना। एक तो शूट क्या क्रेजी हुआ है ना, अल्टीमेट। अभी आपने BTS देखे होंगे उस शूट के, आप ही गेस करो कैसा था शूट, कैसा रहा होगा, क्या होंगे आउटपुट उसके। हमने तो बहुत कुछ अलग करा है, कुछ डार्क शॉट्स लिए हैं, कुछ क्रेजी वाले शॉट लिए हैं। अभी मैं इतना ज्यादा खुश हो गई शूट से, अभी हम शूट के बीच में आई वाज लाइक ओह माय गॉड क्या निकाल रहे हो ऋतिक। अब मैंने ऐसे किया इसको कैसे किया इसकी बलाए उतार ली मैंने। बट हाँ, आप लोग चेक करोगे जब तो उसमें कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो और घर जाके इंस्टाग्राम चेक करके। और अगर आपको आगे से भी कोई कॉन्सेप्चुअल शूट्स आपको देखने हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अभी हम चिल कर रहे हैं, वी आर हैविंग सम फ्राइज एंड स्प्राइट्स एंड बियर्स एंड चीयर्स। वैसे इतना ज्यादा मैं दिख रही हूँ काली, इतना मुझे टैन हुआ नहीं है, बट आई डोंट नो वेदर की वजह से, वेदर की वजह से लग रहा है या फोन का कुछ इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है जो फुल क्वालिटी में। पोज क्यों मार रहे हो भाई यहाँ पे, खत्म हो गया। अरे पोज आप ही मारोगे, हम ना करें कुछ ये कैसे खड़े हो यार, बस बस टैटू दिखा दो। इस टैटू का मतलब क्या है, क्यों बनवाया ये और अब क्या घुस जाए उसके अंदर, दिखा तो दिया ब्रेक ही नहीं लेता है। शो पूरा शॉप करना है। मैं कैमरा फ्लिप कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कैंडलिम बीच कैसा है। Like you are.
ये चीज देखो आप कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी चीज है कि रफ्तार, इक्का, लील गोलू और क्या नाम है इसका, बादशाह, सब लोग अपने अपनी जगह पे हैं, पहुंच गए कहीं ना कहीं, तो इनके इनको चांस मिला होगा तो ही तो वो पहुंचे ना वहां तक। बट अगर बाकी लोग है जैसे सोचते हैं कि भाई मैं अकेला बढ़ जाऊंगा आगे, अकेला कभी भी कोई इंसान नहीं बढ़ता भाई, आपको हमेशा एक टीम चाहिए होती है। अगर आपके पास टीम है तो भी आप बढ़ सकते हो। अब आप ऐसा मॉडल हो, अगर आप सोचो कि मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगी, हाँ। तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप बोलोगे ना मेरा मैनेजर है, मेरा स्टाइलिस्ट है, मेरा फोटोग्राफर है, मतलब जब तुम दिखाओगे ना कि मेरी टीम है, तब जाके तुम्हें लगा हाँ बंदा बोले हाँ भैया प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ जाती है। आप सुन रहे हो देख रहे हो, तुम देख रहे हो हम जा रहे हैं सामने देख पार्टी पार्टी में जा रहे हैं। कौन सी फाची में जा रहे हैं? खबाना में फाची है और खबाना में फाची, हम ऐसे कपल जा रहे हैं, चले कपल एंट्री कर रहे हैं और हम जा रहे हैं और अब हम आपको सीधा वहीं पे दिखाएंगे सिस्टम वहाँ का, सिस्टम यार आपने देखा नहीं मैं आज क्या बनी हूँ, क्या बनी हूँ मैं, बहु गर्ल, जिप्सी बनी, जिप्सी इट इज अ बहु लुक। मैं आपको दिखाऊंगी मैं आपको अपना पूरा लुक, खींच देगा मेरी फोटो तब तक, एक आधी फोटो, बड़े भाव करता है फोटो खींचने में, बहुत भाव करता है, बट खींचती है, खींचता अच्छा है मेरी सहेली जब सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो कंचे खेलेंगे, कंचे यार कंचे मैंने आज तक नहीं खेले। क्या देख रहे थे आप? लड़कियां गाड़ियों में जाएंगे, बाकी सब जिप्सी पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी हो रही है लड़की, पार्टी हो रही है। तो हम यहाँ गाड़ी लगाते हैं फटाफट, अंदर है क्या और ऋतिक हम कहाँ बैठे हैं? जिप्सी में। मैं क्या कर रही हूँ? आप रेडी हो रहे हो? रेडी हो रही हूँ फिर से जाने के लिए। रेडी हो गया? ठीक है भैया, प्लीज लाइट बंद कर दो। ठीक है जी, ओके, कर दो, इनका कह रहा है आपको पे नहीं करना, हमने पे कर दिया, बाद में रिइंबर्स कर देना, मैंने कह दिया उड़ जाएंगे, उड़ना ही तो है। ओह माय गॉड, आई हैव टू मेक श्योर माय डबल सेफ्टी। Curse you and I are a secret. Ready, Sha? Cause honestly, it's all for a breath. This is so real. Just you and me with the scapegirl tonight. छोड़ो छोड़ो रैंड पहले मैंने किया है बट अभी ज्यादा नोटिस नहीं क्योंकि वो बहुत सिक्योरिटी है। Curse you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, it's all for a breath. This is
girl tonight, night. ऋतिक यहाँ पे कुछ हो जाए रुकना मत प्लीज। चलो कुछ ना मत अपनी शक्ल तो दिखा दो एक बार पार्टी करने के बाद। अरे धुली हुई हो मैं बिल्कुल।